जय हिंद साथियों, मैं धनेश्वर गिरी आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी 90 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम भारत के पड़ोसी देश चल रहे थे, तो भारत के पड़ोसी देश में आज छठवां देश बांग्लादेश, बांग्लादेश पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि काफ़ी दोस्त लोग भी कमेंट किए थे कि सर बांग्लादेश के बारे में बताइए, तो आज हम बांग्लादेश के बारे में बताएंगे। तो आज हम चलते हैं बांग्लादेश। क्या है बांग्लादेश? तो बांग्लादेश, जैसा कि हम पाकिस्तान जब पढ़ा रहे थे, तो पाकिस्तान में हम बताए थे आपको कि जो बांग्लादेश है, इसको 1971 से पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान माना जाता था। तो जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो उसके बाद से इसका नाम बदलकर बांग्लादेश रखा गया। क्या रखा गया? बांग्लादेश। तो आइए हम बात करेंगे बांग्लादेश पर। तो जो बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी वो क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, और यहाँ की मुद्रा टका है, और संसद जातीय संसद क्या है? राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, और संसद जातीय संसद है। फिर चर्चा करेंगे हम संविधान। जो बांग्लादेश का संविधान है वो 16 दिसंबर 1972 ईस्वी को, कब? 16 दिसंबर 1972 ईस्वी को लागू हुआ। फिर यहाँ का प्रांत, बांग्लादेश में प्रांत कितने हैं? 8 हैं। कितने? 8। फिर यहाँ का कॉलिंगकोड, कॉलिंगकोड जैसा कि हम आप लोग को हर वीडियो में बताए हैं कि कॉलिंगकोड वो होता है, जैसा कि हमारे भारत में हमारे आपके जो मोबाइल पे नंबर आता है, किसी का भी फोन आता है तो जो नंबर आता है उसके पहले +91 लिखा रहता है, जो +91 लिखा रहता है वही कॉलिंग कोड होता है। तो भारत का कॉलिंग कोड +91 है। तो वैसे ही जो बांग्लादेश का कॉलिंग कोड है वो क्या है? 880। क्या? 880। फिर आजादी दिवस, बांग्लादेश आजादी दिवस अपना कब मनाया? वो 26 मार्च 1971 ईस्वी को। कब? 26 मार्च 1971 ईस्वी को। फिर विजय दिवस मनाया, विजय दिवस कब मनाया? वो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। कब? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। फिर एक शोक दिवस भी मनाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश एक शोक दिवस मनाता है। वो शोक दिवस क्यों मनाता है तो आप हम आप लोग को बताएंगे कि जो यहाँ के राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान, कौन थे राष्ट्रपिता? शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के राष्ट्रपिता थे। तो उनका ये जो शोक दिवस है 15 अगस्त 1975, 15 अगस्त 1975 में इनकी हत्या कर दी गई। इसकी राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। तो उन्हीं के शोक में जब उनकी हत्या कर दी गई 15 अगस्त 1975 में, तो उन्हीं के शोक में बांग्लादेश एक शोक दिवस भी मनाते हैं। कब? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या हुई थी, तो उसी समय से 15 अगस्त को शोक दिवस भी मनाते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? वो है 14,08,460 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 14,08,460 वर्ग किलोमीटर। फिर यहाँ की जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है? 16,29,51,560। कितना है? 16,29,51,560 यहाँ की जनसंख्या है। फिर आएंगे भारत के साथ सीमा, जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो ये 4,096 किलोमीटर का। कितना? 4,096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, जो कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कौन? बांग्लादेश, जो कि 4,096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। उसके बाद जो बांग्लादेश से सटे हैं भारत के राज्य,
जो बांग्लादेश से हमारे भारत की राज्य सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य हैं? वो पांच राज्य हैं। कितने राज्य हैं? पांच राज्य। पांच राज्य कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। कितने हैं? पांच। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पांच राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और हम एक बात बताएंगे कि जो असम है ये बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है। जो असम राज्य है वो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है, एक मेघालय राज्य के ऊपर से और एक मेघालय राज्य के नीचे से। 2 बार सीमा साझा करता है, एक मेघालय राज्य के ऊपर से और एक मेघालय के नीचे से। ये 2 बार सीमा साझा करता है असम राज्य। फिर इसके बाद दोस्त आएंगे हम कुछ यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह हैं जो, तो जैसा कि सभी देश के बारे में बताए हैं तो यहाँ भी देख लीजिए। जो पशु है बंगाल का वो रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ का पेड़ जो है राष्ट्रीय पेड़ वो आम है। राष्ट्रीय पक्षी मैग पाई रोबिन। क्या है? मैग पाई रोबिन। यहाँ का जो फल है राष्ट्रीय फल वो कटहल है। क्या है? कटहल। और यहाँ का जो फूल है राष्ट्रीय फूल वो वाटर लिली है। क्या है? वाटर लिली। और यहाँ का जो खेल है वो खेल कबड्डी है। कौन सा खेल है? कबड्डी है। फिर यहाँ का मछली राष्ट्रीय मछली, राष्ट्रीय मछली इलिश या हिलसा। इसको ये दो है, या तो हिलिश या हिलसा, दो में से कोई एक हो सकता है। फिर यहाँ की राजभाषा, यहाँ की राजभाषा जैसे कि हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है, वैसे ही यहाँ की राजभाषा है। जो बंगाल की राजभाषा है वो है बंगाली। कौन सी भाषा है? बंगाली। फिर यहाँ सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन है? ढाका। ये बांग्लादेश की राजधानी भी है और बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी है। कौन? ढाका। फिर यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत, क्या? जो बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? साको होफांग। क्या नाम है? साको होफांग। फिर सबसे लंबी नदी, यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो सुरमा नदी है। कौन सी नदी है? सुरमा नदी। फिर यहाँ की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है वो कपटई झील। कौन सी झील है? कपटई झील। फिर यहाँ का एक फेमस नेशनल पार्क है, बांग्लादेश का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? भवाल नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? भवाल नेशनल पार्क। फिर हम बात करेंगे बांग्लादेश में कुछ बंदरगाहें हैं, कुछ बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। जो यहाँ का बंदरगाह है वो चटगांव बंदरगाह। इसको चटगांव बंदरगाह या चट्टोग्राम बंदरगाह, या तो चटगांव बंदरगाह दिया रहेगा या चट्टोग्राम बंदरगाह इसी को। दूसरा मंगोला बंदरगाह, और फिर पायरा बंदरगाह और मातरबानी बंदरगाह। कितने बंदरगाह हैं? चार बंदरगाह। कौन कौन सा? चटगांव बंदरगाह या चट्टोग्राम बंदरगाह, मंगोला बंदरगाह, पायरा बंदरगाह और मातरबानी बंदरगाह। ये चार यहाँ का बंदरगाह है। फिर हम आएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच नदी, भारत और बांग्लादेश के बीच नदी। कितनी नदियां हैं? जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो नदियां हैं उनकी संख्या है 54, 54 नदी है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 नदी है, 54 नदी है। तो उसी में से एक नदी है फेनी नदी। कौन सी नदी है? इसी 54 में से ही एक फेनी नदी है। फेनी नदी पे एक मैत्री पुल बना हुआ है। उस पुल का क्या नाम है? मैत्री पुल, जो कि 1.9 किलोमीटर का है। कितना? 1.9 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर का। वो किसको किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत के त्रिपुरा राज्य से।
किसके किसके? बांग्लादेश और भारत के त्रिपुरा राज्य को जोड़ता है। कौन सा? मैत्री पुल, जो कि फेनी नदी पे बना है। कितने किलोमीटर का है? 1.9 किलोमीटर। फिर बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ ट्रेन चलती हैं। तो जो ट्रेनें चलती हैं वो तीन ट्रेन हैं, जो कि मैत्री एक्सप्रेस है जो कि 2008 में चालू की गई थी, एक बंधन एक्सप्रेस है जो 2017 में चालू की गई, और एक मिताली एक्सप्रेस है जो 2021 में चालू की गई पिछले साल। कौन कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस 2008 में, बंधन एक्सप्रेस 2017 में, और मिताली एक्सप्रेस 2021 में। ये भारत और बांग्लादेश के बीच तीन ट्रेनें चलती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि बांग्लादेश के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण थे बिंदु, उसको हम आपको बताए अच्छी तरह से। आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बस आज इतना ही। जय हिंद।